नमस्कार, आपका स्वागत है नेक्स्ट टाइम न्यूज़ में। अब बात करते हैं अग्निपथ की। तो अग्निपथ में देखिए कि इतना सब कुछ आग बवाल चल रहा है। हर जगह देखिए, बिहार को लेकर तेलंगाना तक इतने सारे हिंसाएं हो रही हैं, और देखिए सेना प्रमुख आके इस पे देखिए सफाई दे रहे हैं। और अब भी देखिए, कल जब प्रधानमंत्री आए थे, जिनका इतने टाइम से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे युवा, तो उन्होंने भी आके अपना संदेश दिया था। और आज के अगर हम बात करें तो इस पे जो प्रधानमंत्री मोदी है, तीनों सेनाओं के प्रमुख से अलग अलग जाकर मिलेंगे। तो इस पे ही आज हम चर्चा करेंगे कि फरहान सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है फरहान जी, डिबेट में, कन्वर्जेशन में। तो देखिए, आज की कन्वर्जेशन हम रखेंगे अग्निपथ पे ही। अग्निपथ में फरहान जी, आप देखिए कि प्रधानमंत्री का इतने दिनों से देखिए बेसब्री से युवा जो इंतजार कर रहे थे, कल आखिरकार देखिए वो वक्त आ ही गया। तो जो युवा वेट कर रहे थे, उनके लिए प्रधानमंत्री ने ये बोला है कि देखिए, जो ये सरकार के द्वारा जो लाई गई स्कीम है अग्निपथ योजना, जिसमें राजनाथ जो रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि देखिए, जो अग्निपथ जो ये स्कीम लाई गई है वो 4 साल के लिए होगी, और उसके बाद देखिए सेना प्रमुख ने आके इनकी सफाई दी थी कि देखिए ऐसे ऐसे इसमें होगा स्कीम में। तो फरहान जी, आप देखिए, जब मिलेंगे प्रधानमंत्री ने, जो कल जो उन्होंने भाषण दिया है, ज्यादा देर का भाषण नहीं था, खैर वो छोटा मोटा ही भाषण था, लेकिन अगर इस पे युवा अगर अपनी प्रतिक्रिया अब देना चाहते हैं, और अब साथ में आज जो प्रधानमंत्री इनसे मिलेंगे, तीनों सेना प्रमुखों से, तो क्या क्या ऐसी कोई डिस्कस हो सकती है? क्या ये स्कीम दोबारा से रोल बैक हो सकती है? लेकिन देखिए, इसमें जो थल सेना का प्रमुख थे, वायुसेना का प्रमुख थे, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि देखिए ये स्कीम रोल बैक नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर इतने सब कुछ इसमें इतना देखिए आप आगजनी हुई है, ट्रेन की नुकसान हुआ है, देखिए रेलवे को 700 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है, तो इसमें देखिए आपको क्या मानना है कि जब तीनों सेनाओं से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी, क्या क्या डिस्कस हो सकता है? देखिए, तीनों सेना के सेना प्रमुख से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने वाले हैं जी। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों को सारे फायदे बता दिए होंगे जी, जी। क्योंकि सेना प्रमुख जब जनता को आकर संबोधित करेंगे जी, तो सीधी सी बात है कि जो फायदे होंगे वह बताने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल। तो एक सीधा सा काम यह हो सकता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे जनता को ही वह फायदे बता देते। मतलब एक साइकिल बनाने की आवश्यकता क्या थी कि पहले हम सेना प्रमुख को बताएंगे, फिर सेना प्रमुख जनता को आकर बताएंगे जी। और 75 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्र की किसी योजना को कोई प्रशासनिक अधिकारी समझाने आ रहा हो जनता के पास जी। ये 75 सालों में पहली बार हुआ है, क्योंकि नोटबंदी की गई, कोई नहीं आया, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझाया। जीएसटी को लेकर जी, तमाम जितनी भी यहाँ पर योजनाएं लागू हुई, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया जी। लेकिन आज ऐसी कौन सी परेशानी हो गई कि वह सीधे सीधे जनता को संबोधित नहीं करना चाहते? और जब कल बयान दिया भी तो कहा इसके दूरगामी फायदे हैं जी, जो फायदे मिलेंगे वह दूरगामी हैं जी। तो देखिए, दूरगामी फायदे कहने से जनता कैसे शांत हो जाएगी जी। आपने जब हर स्कीम का, जब आपने नोटबंदी करी, आपने कहा आतंकवाद पर रोकथाम होगी जी, काला धन वापस आ जाएगा जी, तो आपने सीधा सीधा फायदा बताया। लेकिन अब आप दूरगामी फायदे कहकर जनता को भ्रमित नहीं कर सकते। देखिए, और जो बात आप सेना प्रमुख से बताने वाले हैं, वह बात आप सीधे सीधे जनता से भी बता सकते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ फॉल्ट है। देखिए योजना नहीं, देखिए फरहान जी, इसमें देखिए, अगर जो स्कीम आई है वो सेना के लिए आई है, सेना से आई है। जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उन्होंने देखिए, जो रक्षा के मंत्री है ना वो, तो उन्होंने वो स्कीम लाए थे अग्निपथ स्कीम। तो इसमें जो तीनों सेना का प्रमुख है वो नहीं बताएंगे, तो आपके मानने जो देवरिया में एक आईएएस बैठा है वो बताएगा। बिल्कुल। तो नोटबंदी के फायदे रिजर्व बैंक के गवर्नर बता देते, उन्होंने बताया था सर आपको, अगर प्रेस नहीं, मैं आपको याद दिलाता हूँ, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया, 50 दिनों का समय मांगा जी, और यह कहा कि आतंकवाद से इसमें हमें जो रोकथाम में फायदा होगा जी। फिर जब गवर्नर आए तो गवर्नर ने तकनीकी बातें समझाई जो कि इकोनॉमिक से संबंधित होती है। अब प्रधानमंत्री को इकोनॉमिस्ट नहीं हो सकते, बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए अपनी सत्ता में एक इकोनॉमिस्ट भी चाहिए होता है। बिल्कुल। लेकिन जब यह वाली बातें हैं तो आप पहले फायदे बता दें जी जनता को जी, कि आपको जो मोटे मोटे फायदे होते हैं। नहीं तो देखिए, इसमें देखिए सबसे पहले अगर हम अग्निपथ स्कीम की बात करें, तो इसमें देखिए सबसे पहले राजनाथ सिंह ने उसकी पीसी करी थी, आप देखिए पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था। उसके बाद देखिए सेना प्रमुख ने भी की। तो आप बताइए कि इसमें इतनी क्या ही जरूरत पड़ गई थी कि देखिए जब रक्षा मंत्री हमारे बोल रहे हैं, कि रक्षा मंत्री का कद इतना ही छोटा है क्या कि युवा इसको समझ नहीं पाएंगे? क्या वो कुछ फारसी में बात करते हैं, उर्दू में बात करते हैं, वो नहीं समझ पाए? या फिर आप देखिए कि जो हमारे जो तीनों सेना के प्रमुख है,
तो उन्होंने देखे जो बताए फायदे अग्निपथ के, तो उनसे भी नहीं माने। तो आप देखिए कि देखिए सेना का तो राजनीतिकरण इस वक्त हो नहीं रखा है। क्या पता कि जो ऐसा देख कयास भी लगा रहे थे विपक्ष ने, तो जब सीडीएस बना था, जब जनरल बिपिन रावत देश के हमारे देश के पहले सीडीएस बने थे, तो उन्होंने विपक्ष ने तो ये भी ताने मारे थे कि जो प्रधानमंत्री मोदी के कठपुतली बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने देखिए मोदी सरकार के खिलाफ भी देखिए इतने सारे डिसीजन लिए थे। तो जिसमें आप देखिए कि अब जो तीनों सेना प्रमुखों ने यहाँ पे अग्निपथ स्कीम के बारे में बोला, उनको बताया कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, और साथ में ऐसे भी कुछ डिसीजन लिए कि जिसमें अगर अग्निपथ में जो युवा आगजनी कर रहे हैं तो उनको देखिए सेना में नहीं लिया जाएगा अगर एफआईआर में नाम आ गया। तो अगर उनकी बात भी नहीं मान रहे तो जरूरी है कि देखिए हमारे देश का प्रधानमंत्री हर बात आके बोले? ये जरूरी तो नहीं है। हमारे संविधान में फरहान जी आप बताइए कहीं लिखा है क्या कि हर चीज आके प्रधानमंत्री ही बनाएगा? अगर देश का रक्षा मंत्री उसे नहीं बता सकता, या फिर आप देखिए कि देश का जो सेना प्रमुख है तीनों के तीनों, वो नहीं बता सकते क्या? आप मेरे को देखिए सीधी सी बात है, अगर आपको समझना होगा तो आप देखिए कि एक देवरिया में बैठे आईएएस से समझ जाएंगे, अगर नहीं समझना होगा तो देखिए प्रधानमंत्री आके क्या राष्ट्रपति आके भी अगर उनके हाथ सामने हाथ के हाथ जोड़ गए के बोले कि हाँ देखिए ऐसे ऐसी स्कीम है, तो नहीं समझेंगे वो? ये सीधी सी साफ सी बात है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राजनाथ सिंह यदि फारसी में बोलते तो शायद इतनी आगजनी ना होती जी। उन्होंने हिंदी में बोला तो जनता को सब कुछ समझ में आ गया जी। और यह हिंसा इसलिए हो रही है कि जनता वाकई में सब कुछ समझ गई। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, उन्होंने भी हिंदी में बोला, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं बिल्कुल, और राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, वह कह रहे हैं कि हम आपको बीजेपी के कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता आकर यह कहते हैं कि आप सेना में जाकर कम से कम बाल काटना तो सीख जाएंगे, कपड़े धोना तो सीख जाएंगे। तो आप जो सेना के जवान के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो मोर्चे में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप उनको बार बार शॉप खुलवाना चाहते हैं, आप उनको कपड़े धोना सिखाना चाहते हैं। तो सर फरहान सर आप बताइए कि जो इन्होंने कैलाश विजयवर्गीय ने बोला कि हम चपरा उनके सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे बीजेपी दफ्तर में, चलो ठीक है मान लेते हैं, देखिए उन्होंने जो बोला गलत बोला, मान के लेते देखिए उन्होंने गलत बोला ही है, इसमें मानना क्या होगा। तो आप लेकिन आप पूरी की पूरी स्कीम को इसके अंदर थोड़ा ला सकते हैं कि एक मंत्री ने जो बोलता है, देखिए ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री ने आके या रक्षा मंत्री ने, रक्षा मंत्रालय का बयान है कि देखिए हम उसको बीजेपी की बीजेपी के दफ्तरों के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, ऐसा को तो देखिए कोई नोटिस तो जारी नहीं हुआ। अबे किसी मंत्री ने वो बात बोली, उसको लेकर आप पूरी स्कीम को थोड़ा गलत बोल सकते हैं। तो स्कीम में सही क्या है वही तो समझना चाह रहे हैं, यही मैं भी समझना चाह रहा हूँ। मुझे लगा कि जनता शायद भ्रमित होगी जी, मैंने कई बार पढ़ा इस स्कीम जी, तो इसमें फायदेमंद चीज कौन सी है सामान्य वैकेंसी के मुकाबले? जो सामान्य वैकेंसी, पहली बात तो देखिए फरहान सर, आप इसको किसी वैकेंसी से देखे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए अपने आप में अलग वैकेंसी है। पहली बात तो नहीं, तो क्या सामान्य वैकेंसी से क्यों ना कंपेयर करें, क्योंकि सामान्य वैकेंसी 2 से 3 साल हो गए नहीं निकली। बिल्कुल, जो सेना की तैयारी कर रहे थे वह सामान्य वैकेंसी के लिए ही सोच रहे थे जी, बिल्कुल सामान्य वैकेंसी निकलेगी, तो जब सामान्य वैकेंसी से अलग एक वैकेंसी निकलती है जी, तो उसमें विरोध क्यों नहीं होगा जब सामान्य वैकेंसी के मुकाबले? आपके इसी क्वेश्चन का उत्तर देखिए जनरल वीके सिंह जो कि इसमें केंद्रीय मंत्री हैं, तो उन्होंने देखिए साफ साफ बोल दिया था परसों जब उनका बयान आया था, तो उन्होंने साफ बोल दिया कि देखिए जो अग्निपथ स्कीम है देखिए किसी के लिए कंपल्शन नहीं है। बिल्कुल, पहली बात तो ठीक है। दूसरी बात देखिए राजनाथ सिंह ने भी साफ बोल दिया कि हम सितंबर के बाद देखिए जो सितंबर से पहले ही कि जुलाई के बाद और सितंबर के बीच में हम बुलाएंगे जो दूसरी की जनरल ड्यूटीज की जो है, जो आप जो सामान्य भर्ती की जो आप बात कर रहे हैं, उन्होंने बोल दिया कि देखिए अगले 2 महीनों में आ रही है। तो अगर आपके मन लगता है कि देखिए कि ये अग्निपथ आपके इतनी ही बुरी है, तो जनरल वीके सिंह ने साफ बोल दिया कि भाई आपका कंपल्शन नहीं, आप मत आइए इसमें, आप दूसरी ड्यूटीज के लिए भर सकते हैं। हाँ, आपने जो बोला कि 3 साल तक देखिए नहीं आई है, वो कोरोना की वजह से देखिए नहीं आई उसमें। कोरोना जो काल में आप देखिए कि कौन सी सरकारी ऐसी नौकरी जो निकल रही थी, एक बार जो आप अगर मेडिकल की नौकरियों को छोड़कर अगर हम बात करें, तो कोरोना के टाइम में आप बताइए कौन सी सरकारी नौकरी ऐसी थी जो निकल रही थी। आप सेना पे अगर बात कर रहे हैं तो आप दूसरी जॉब से भी बताइए ना। तो इसलिए जो आप बोल रहे हैं कि देखिए इतनी ही बुरी है, मैं मान लेता हूँ देखिए बहुत ही बुरी है, इसमें जो जवान हमारे जो जाएंगे युवा उनका भविष्य खराब हो जाएगा, एकदम देखिए मिट्टी में मिल जाएगा भविष्य, लेकिन देखिए कंपल्शन नहीं है, ये कौन सा बात हो गई कि रक्षा मंत्री ने आपसे बोल दिया है? आपको आप बताइए रक्षा मंत्री है तीनों सेना के प्रमुख, आपको कहीं हाथ पकड़ के थोड़ा ले जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास ऑप्शन है कि आप दूसरी ड्यूटीज में जा सकते हैं पूरा जो अब जो निकल रही। हाँ, सरकार ने देखिए कि सरकार की गलती है कि 3 साल
तक, जब 2 साल और 2.5 साल वहां पे कोविड का वक्त रहा था, उसके बाद में उन्हें ऐसा करना चाहिए था कि सबसे पहले जनरल ड्यूटीज खोलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इस स्कीम को तब लाना चाहिए था जब जनरल ड्यूटीज की भर्ती पूरी हो जाती। बिल्कुल। अब जो भी युवा है, आपके बात एक मेरे को बिल्कुल सही लगी जब आपने बोला था कि जो युवा है उसके मस्तिष्क में उन्होंने पहले से ही सोच के रखा था कि हम जाएंगे तो हम अपने जनरल ड्यूटीज पे जाएंगे, एनडीएस में फॉर्म भरेंगे जो नॉर्मल ड्यूटीज होती है एक सैनिक को मिलती है, और अब उसमें जाके फिर हम आराम से 15-20 साल की नौकरी करेंगे, चाहे जो 60 साल का जो भी उनका वो है वॉलंटरी रिटायरमेंट भी ले सकते हैं उसमें से। लेकिन हाँ, पूरी नौकरी करने के बाद तो पेंशन मिलेगी, बढ़िया भत्ता मिलेगा उनको, आराम से हम कुछ भी कर सकते हैं उसके बाद। लेकिन ये जो मन में था उनके मस्तिष्क में, सरकार ने देखे अग्निपथ को लाके, जो ये मस्तिष्क में उनके था युवाओं के, वो देखे चकनाचूर हो गया था उनका। बिल्कुल यही दिक्कत रही थी। देखिए कि जो जब फिर देखिए इतना सब कुछ बैकलैश होने के बाद फरहान जी, उसके बाद इन्होंने राजनाथ सिंह को देखिए ये लगा, रक्षा मंत्रालय को थोड़ा सा हुआ भनक कि देखिए अब जो हमने एकदम से ला दी है ये स्कीम 4 साल की बोल के, और देखिए इसमें हाईलाइट भी 4-4 साल करा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें इसलिए जो बात की गई थी कि 4 साल की, उसके बाद भी देखिए राजनाथ सिंह को जब ये बैकलैश हुआ कि देखिए हमारे पास बहुत सारा बैकलेस हो रहा है, देखिए बिहार में इतने सारे तांडव हो रहा है, आगजनी हो रही है, तो उसके बाद भी फिर अगर ये स्कीम जो लाई गई थी उसमें देखे फिर अमेंडमेंट शुरू हो गए। पहले अमेंडमेंट ये कर देते कि देखिए 2 साल बढ़ा दिए, फिर 5 साल कर देते कि ठीक है चलो कोई नहीं 5 साल का रियायत दे दी। उसके बाद आप देखिए कि इसमें जो पेंशन वाली बात कर देते, फिर उसको 48 लाख का कवर भी दे दिया, चलो ठीक है कवर भी दे दिया। उसके बाद आप बोलते कि 17 से 21 का था, वो तो हम पहले बता चुके आपके 2 साल बढ़ा चुके थे। फिर आप देखिए कि इसमें लास्ट में जो इम्प्रूवमेंट होती है वो बोलते हैं कि देखिए जो प्रधानमंत्री आके बोलते हैं तो उसके दूरगामी जो उसमें दूरगामी जो इसमें हमें मिल सकते हैं काम, जो रोजगार मिल सकता है सैनिकों को, वो भी बता सकते हैं। तो इसमें आप देखिए जो बार बार देखिए किसान आंदोलन जब हुआ था उसमें देखिए इतने सारे अमेंडमेंट्स किए गए थे, तो सरकार का देखिए जो इतना जो रुख है ऐसे बिल्स को लेकर, कहीं वो अपने आप में देखिए बहुत ढीलापन नहीं है? अरे इस पे कई सवाल उठते हैं कि सरकार की मंशा कुछ और है जी, हमें लाभ पहुंचाना नहीं है, यही किसान आंदोलन को लेकर हुआ जी। क्या आरोप लगे कि अंबानी और अडानी ने पहले से ही अपने स्टोरेज बना रखे हैं जी, उनके स्टोरेज को फुल करने के लिए अब यह जल्द से जल्द कृषि कानून लेकर आए हैं जल्दबाजी में, यह पहले कहा गया जी। और जब यह विरोध बढ़ता गया तो कितने संशोधन करने पड़े, आप खुद देखें। बिल्कुल। तो ऐसे ही इस वैकेंसी में संशोधन हो रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि पहले सामान्य वैकेंसी निकालनी थी जिससे लोगों का यह भय खत्म हो जाता कि कहीं हमें केवल अग्निवीर बनाकर ही तो नहीं छोड़ देंगे। बिल्कुल। अब भी यह कोई लिखित बात नहीं है कि पहले आपने अग्निपथ निकाल दी तो आप सामान्य वैकेंसी निकालेंगे ही। बिल्कुल। क्योंकि जो आदमी के जो युवाओं के मस्तिष्क में एक भय है, आप पहले उसे दूर करें। ये वही लोग हैं आपके जो वोटर हैं, युवा वोटर हैं आपके, और आपको देश के नाम की सेना के नाम पर ही वोट दिया था। बिल्कुल। तो आप पहले उनके भय को दूर कीजिए। और वीके सिंह ने जो बात कही, आना है तो आए। देखिए ये जो सेना की नौकरी है, चाहे प्रधानमंत्री हो या सेना प्रमुख हो या पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी की बपौती नहीं होती है। यह युवाओं का अधिकार है। बिल्कुल। यह निकलेगी भर्ती और युवा जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन जब आप उसमें इतना बड़ा संशोधन कर देंगे कि पहले आप कहेंगे कि, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति ने, एक युवा ने एयरफोर्स का फॉर्म भरा जब कोरोना काल के चलते उसमें उसकी मतलब सिलेक्शन अभी नहीं, सिलेक्शन हो चुका था, भर्तियां नहीं की गई थी, बुलाया नहीं गया, ज्वाइनिंग नहीं हुई उनकी, तो बाद में यह कहा गया उससे कि अब आप जाइए अग्निपथ के थ्रू आइए। बिल्कुल। तो यहाँ से तो एक भय आ गया ना सामने कि सामान्य वैकेंसीज आपने खत्म कर दी हैं। बिल्कुल। अब आप कह रहे हैं कि हम वह निकालेंगे, तो पहले निकालिए फिर अग्निपथ भी निकालिए, जैसा कि वीके सिंह ने कहा, जिसको रुचि हो वो आए। बिल्कुल। जिसको नहीं है वह ना आए। सामान्य वैकेंसी निकालिए और उसकी एक समय सीमा रख दीजिए, सामान्य वैकेंसी 6 महीने या 1 साल बाद अग्निपथ, फिर सामान्य वैकेंसी फिर अग्निपथ। बिल्कुल। साफ इससे साफ हो जाएगा, सारा भय खत्म हो जाएगा। तो देखिए भय खत्म, तो देखिए अब युवा का कैसे खत्म होता है, प्रधानमंत्री भय खत्म कर पाते हैं नहीं, तीनों सेना प्रमुख से मिलके युवाओं के जो आगजनी हो रही है लगातार, देखिए फिर उसमें तो थोड़ी सी कमी जरूर आई है, लेकिन हाँ अभी तक शांत माहौल नहीं हुआ है। तो लगातार इस पर हम चर्चा करते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।